बाढ़ की विकराल स्थिति, लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार पानी में वृद्धि देखी जा रही है, लोग परेशान हैं। प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है, वहीं पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में संसाधन प्रशासन पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पा रही। लोग अपने जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे हैं, साथ ही समाज सेवी प्रत्याशी अपनी ओर से राहत सामग्री भी बांट रहे। लेकिन सबसे रोचक इस बात को लेकर है कि जो प्रत्याशी खुद अस्वस्थ होते हुए भी अपनी जनता के लिए दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझने वाला अमनौर विधानसभा का जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू सिंह इन दिनों अपने कार्यों को लेकर काफी प्रयत्नशील है। आज रेपुरा पंचायत के सराय बॉक्स दलित टोला रेपुरा गांव जुगनी परसा पंचायत के कई टोला में जाकर चूड़ा मीठा वितरण करते नजर आए। इस विकट स्थिति में जीतू सिंह द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इनके इस मुहिम के बारे में लोजपा प्रत्याशी जीतन सिंह जीतू ने छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह से क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा। छपरा में जिस तरह से बाढ़ को लेकर पूरी हर विधानसभा में बाढ़ को लेकर पूरी तरह से ग्रसित है और लोग परेशान हैं। प्रशासन अपनी ओर से नजर बनाई हुई है और सहायता भी कर रही है, मगर दूर दूर तक कहीं कहीं नजर जा भी नहीं पा रहा और लोग काफी परेशान हैं। अभी मैं सराय बॉक्स में हूँ और ये पूरा पंचायत का यह जगह है, देख सकते हैं साफ तौर से जलमग्न है। और यहाँ एक प्रत्याशी आए हुए हैं जो कि यहाँ से अपनी पार्टी से टिकट से चुनाव भी लड़ेंगे, लोजपा से जितेंद्र सिंह जीतू। इन दिनों अपने कार्यों को लेकर काफी सक्रिय हैं और लोगों में एक उनका अलग पहचान बन गया है। आइए बात करते हैं, ट्रैक्टर पे स्वयं चलाते हुए आज इस गली टोले में आए हैं और सूची सामग्री वितरण की, आइए बात करते हैं जीतू जी से। जीतू जी नमस्कार। पाल सर, आप काफी दिनों से लोगों के बीच में राहत सामग्री बांट रहे हैं, तबीयत भी कभी कभी खराब हो जाता है, कैसे इतना कुछ कर ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ जो आया हुआ है इसमें हम लोग एक महीना से लगभग ज्यादा हुआ हर गांव में हर मोहल्ला में हर गली में जा करके बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं, पूरा मीठा त्रिपाल वगैरह बांट ही रहे हैं, साथ ही कुछ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, प्लास्टिक भी दे रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं का हम लोग निदान कर रहे हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद भी दवा खा करके हम लोग मदद कर रहे हैं और जहां पे गाड़ी जाने का सुविधा नहीं है वहां पे ट्रैक्टर से जा करके सारी सूखा सामान सामग्री ले जा करके बाढ़ पीड़ितों के बीच मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बाढ़ से पीड़ित है, तंबू लगा के अपने तंबू में रह रहे हैं, इनको काफ़ी कठिनाई है, काफ़ी तकलीफ है। तो मुझे भी लगा कि यहाँ भी आना चाहिए, अमनौर विधानसभा के हर गांव में हर गली में हर मोहल्ला में जा करके हम लोग इनको मदद कर रहे हैं, हम लोग इनको मदद कर रहे हैं। सरकार की ओर से जिस तरह से अभी बाढ़ का क्षेत्र है इसको लेकर मेडिकल सुविधा को लेकर आपकी तरफ से क्या पहल? देखिए हम लोग बहुत पहले से स्वास्थ्य सेवा के लिए अपने जो प्रभारी हैं चिकित्सा पदाधिकारी उनसे हमने बात किया है कि इस बाढ़ महामारी में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको दवा की भी मुहैया कराई जाए और पानी जो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जा रही है तो मैंने चिकित्सा प्रभारी से कहा है कि वहाँ भी नाव के माध्यम से ट्रैक्टर के माध्यम से गरीबों की सेवा होनी चाहिए, वहाँ टीम भी खुलना चाहिए। यहाँ पे हाँ हमने मांग किया है कि हर जगह हर गांव में एक मेडिकल कैंप होना चाहिए, मेडिकल टीम होना चाहिए ताकि गाँव के लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। ऐसा माना भी जा रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, किस बेस पे आप चुनाव लड़ेंगे? जी मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, काफी दिनों से सेवा कर रहा हूँ और मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला महासचिव हूँ। अगर पार्टी ने मुझे आदेश दिया तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और अभी बाढ़ जिस तरह से है उसको लेकर आप आगे और क्या तैयारी की? बाढ़ जिस तरह से है तो हम लोग आगे भी जनता की सेवा करेंगे। अभी बहुत जगह तो सूखा राशन दे रहे हैं, जहाँ पे सूखा राशन नहीं पहुँचेगा वहाँ पे पूरी सब्जी बना करके खिलाएंगे, घर घर घूम करके गांव गांव जा करके खिचड़ी खिलाएंगे, भंडारा चलवाएंगे, जहाँ पे जितना संभव हो सकेगा वह काम हम लोग करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था जितेंद्र सिंह जीतू जी से जो कि लगभग महीनों से अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा भी किए और राहत सामग्री भी पहुँचा रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बीच में इनकी तबीयतें खराब होने के बावजूद भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और सूद भी ले रहे हैं और आगे फिर एक इनका नया मुहिम भी चलेगा और गांव डोर टू डोर जाकर भोजन भी मुआयना कराएंगे। इस मुहिम में इनके साथ अमनौर विधानसभा के लोजपा कार्यकर्ता पिंटू सिंह, विकास कुमार, संजय सिंह, कुंदन सिंह, अमरेंद्र कुमार उर्फ
पांडे, राजकिशोर सिंह, बालेश्वर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। छपरा से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।